हेलो दोस्तों, आईएएस फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स के लोकेशन को जानने वाले हैं, देखने वाले हैं कि वह किस राज्य में स्थित हैं। क्योंकि आप पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं यूपीएससी के, आप उन्हें देखेंगे तो यूपीएससी एक न एक क्वेश्चन जो है वह नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछ लेता है, उनके लोकेशन पूछता है कि वह किस राज्य में स्थित है। और नॉर्मली जो यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वह पिछले एक दो साल के जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं उनके ही लोकेशन ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, हम 2018 और 2019 में जो जो टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज़ में थे उनका एक लिस्ट हम लाए हैं कि वह किस राज्य में स्थित है, ताकि आप जितने भी हैं आप एक बार उसे देख लें, ताकि आपको कम से कम याद तो रहे कि हाँ इसके बारे में हमने पढ़ा है, कहीं देखा है। और हम सबको पता है यूपीएससी में दो मार्क्स काफ़ी वैल्यू रखता है, बहुत ही मायने रखता है दो मार्क्स। और मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी लिस्ट में जो भी टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको एक बार देख ले, ताकि आपका दो मार्क्स कम से कम कंफर्म हो जाए। और आप अगर न्यूज़पेपर देखेंगे या फिर करंट अफेयर्स मैगजीन्स देखेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, मैंने ये जो लिस्ट बनाया है यह मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, पिछले एक डेढ़ साल से जो भी न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है उसमें अगर कहीं भी किसी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व के बारे में आया है तो मैं उसे वो एक पेज पे लिखता हूँ। उसके अलावा हम सभी जानते हैं यूपीएससी के जो भी विद्यार्थी होते हैं वह अपने घरों के दीवारों पर मैप लगाते हैं, उसी तरह मैंने भी मैप लगाया। और उस मैप में उस लोकेशन पर मैं वह लिख देता हूँ कि हाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्व है, यह न्यूज़ में था, जिससे मुझे पता चल जाता है। और मैं मैप को अगर देखता हूँ तो मुझे पता रहता है कि वह कौन सा लोकेशन है या कौन से टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क न्यूज़ में थे। इससे एक फ़ायदा क्या हो रहा है कि मुझे देखने से पता चल जा रहा है कि कहाँ पर कौन सा न्यूज़ में था। और दूसरी बात, मुझे बार बार दूसरे जो न्यूज़पेपर है या फिर जो न्यूज़ मैगजीन्स होते हैं, मंथली न्यूज़ मैगजीन, उन्हें बार बार ओवर व्यू देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अरे ये कौन से न्यूज़पेपर में या कौन से महीने के न्यूज़ में ये वाला था। या फिर हम बुक में भी देखते हैं तो बुक में हम एक साथ पढ़ेंगे तो नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने जितने भी न्यूज़ में थे, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक मैंने सभी को एक लिस्ट बना के डाला है और उसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे इस पूरे लिस्ट को देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यह कहाँ पर है? तो दोस्तों, बहुत लोगों को और बहुत सारे जगहों पे कन्फ्यूजन क्या रहती है, जैसे मेरे मित्र में ही सिंगफान नॉर्मली मैंने दो चार लोगों से पूछा था तो उन्होंने बोल दिया अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन याद रखिए, सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यह नागालैंड में है, नागालैंड में है। और यह क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यह भारत का 30वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है नागालैंड गवर्नमेंट द्वारा। तो याद रखिए, 30वां हाथी रिजर्व है, बन चुका है ये, और इसलिए यह न्यूज़ में था। नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व। दोस्तों, अगर कहीं भी टाइगर रिजर्व के बारे में अगर इस लिस्ट में आए तो याद रखिए वहाँ पर टाइगर से रिलेटेड कुछ न कुछ न्यूज़ रहेगा, जैसे कहीं टाइगर ने किसी को मार दिया है, या फिर टाइगर को किसी ने मार दिया है, या फिर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ऐसे ही न्यूज़ जो है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड रहते हैं, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा। तो पेंच टाइगर रिजर्व यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है, याद रखिएगा। थर्ड है कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यह मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, यह भी टाइगर से रिलेटेड है, क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह भी मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों,
यह दोनों साथ में इसीलिए मैंने दिया है, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगरों के लिए जो बाघ हैं उनकी सुरक्षा के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अर्थात कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो शेर हैं, बाघ हैं, वह सुरक्षित एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जा सके बिना किसी जान माल के खतरा के, अर्थात वह किसी दूसरे गाँव के लोगों को हानि ना पहुँचाए और ना ही उनको कुछ हानि हो, तो उसके लिए कॉरिडोर के रूप में इन दोनों को विकसित किया जा रहा है। फिफ्थ है मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, यह कहाँ पर है, तो यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कौंदिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंदिनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह आंध्र प्रदेश में है, याद रखिए यह कहाँ पर है, यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है नलबाना बर्ड सेंचुरी, तो यह ओडिशा में है, और नलबाना बर्ड सेंचुरी यह ओडिशा में है और यह चिल्का झील पर यह सेंचुरी है। और यह इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर कोई बर्ड से रिलेटेड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था, तो मुझे वो बर्ड का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें केवल लोकेशन जानना है। और यह वीडियो भी मैंने केवल लोकेशन के लिए किया है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये फेस्टिवल के कारण ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व यह भी उड़ीसा में है, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर जो दो तीन टाइगरों को मार दिया गया था, मरे हुए मिले थे इस टाइगर रिजर्व में, और जिसकी छानबीन चल रही है। नेक्स्ट है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह कहाँ पर है, तो यह केरला में, और यह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह काफ़ी न्यूज़ में रहता है, प्रति वर्ष यह न्यूज़ में रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा किसी न किसी नई प्रजाति का शोध होता है। जैसे यहाँ पर अभी 8 मकड़ी की प्रजातियाँ पाई गई हैं, और यहाँ पे आए दिन कोई न कोई नए प्रजाति मिलती रहती है, इसलिए यह काफ़ी न्यूज़ में रहता है। याद रखिए वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो यह केरला में है। नेक्स्ट है श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह आंध्र प्रदेश में है, याद रखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस पर कि यह तमिलनाडु में, नहीं यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, तो यह जो टाइगर रिजर्व है यह महाराष्ट्र में है, और यह इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ से लगभग 70 से 72 किलोमीटर लंबी एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। एक कॉरिडोर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यह महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी रीजन से जो बाघ हैं वह सही सलामत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सके, नदी को क्रॉस कर सके। याद रखिए महाराष्ट्र और तेलंगाना का जो बॉर्डर है वहाँ पर नदी है, उस नदी को पार सुरक्षापूर्वक किया जा सके, जैसे प्राणहिता नदी है, तो यह जो प्राणहिता नदी है और भी जो दूसरी नदियाँ उनको क्रॉस करने के लिए ही, बाघों को सुरक्षित जाने के लिए एक ब्रिज बनाया जा रहा है, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और वह ताडोबा अंधारी से तेलंगाना के आसिफाबाद क्षेत्र है वहाँ तक इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए यह बनाया जा रहा है। तो याद रखिए ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है अटापाका बर्ड सेंचुरी, यह कहाँ पर है, तो यह आंध्र प्रदेश में है, और यह कोलेरू लेक कोलेरू झील में स्थित है। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क, यह कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में है, यह आपको याद ही रहेगा क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क जो है वह काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है और यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल है, तो इसलिए इसके बाद ये अगर मैं नहीं भी देता तो भी आपको पता रहता, लेकिन फिर भी ये पिछले 1-1.5 वर्षों से में न्यूज़ में आया था, इसलिए मैं ये लिस्ट में डाला हूँ। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो यह सिंपली सबको पता है यह आसाम में है। दोस्तों यह क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर गेंडों की जो एक सिंग वाले गेंडे हैं उनकी गणना की गई थी और गणना में पता चला कि इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, तो इसलिए यह न्यूज़ में था। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो यह सिक्किम में है और यह भी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यह जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है वह 11वां बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है जो
यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क की लिस्ट में सूची में शामिल हो गया है। अभी तक 10 थे, अब 11 हो गए। दोस्तों अगर पता नहीं हो तो याद रखिए, अब यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क की सूची में भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हो गए हैं, क्योंकि अभी भी कोई जो बुक है या फिर जो क्लासेस के नोट्स होते हैं उसमें भी 10 ही दिया है, तो याद रखिए 11 हो गए हैं। नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क, यह भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, यह भी टाइगर बाघों के कारण, शेरों के कारण न्यूज़ में रहता है, यह भी गुजरात में है। नेक्स्ट है श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, और यह जो पार्क है यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है सुंदरबन नेशनल पार्क, यह कहाँ पर है, तो यह वेस्ट बंगाल में, और यह इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर एक शोध हुआ है, उसे पता चला है कि इस क्षेत्र में जितना खारा पानी में वृद्धि हो रहा है, पानी में जो भी लवणता होती है, सैलिनिटी होती है, जितना वृद्धि हो रही है उसके कारण यहाँ पे जो गंगा नदी डॉल्फिन है उनकी संख्या कम हो रही है, तो इसलिए यह न्यूज़ में था। नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यह मध्य प्रदेश में है, और जो लास्ट है वह है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिए दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग नदी यहाँ से बहती है, और यह इसलिए न्यूज़ में क्योंकि इसको हाल ही में टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया गया है। याद रखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दूसरों को ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरों को भी अगर ये इनमें से एक ज़रूर पूछ लेगा तो 2 मार्क्स उनको भी लाभ हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।